गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज से स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर है एलसीएमएसएफ। मैं अपने क्लास नोट्स में आपको पूरे करा रहा हूं, तो क्लास नोट्स देखिए। तो आपका जो चैप्टर है एलसीएमएसएफ, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जितने क्वेश्चन में दिए सारे मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल आपके सामने है, हाँ टाइप वन है। टाइप वन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लिखा है जब संख्याओं के बेस बराबर हो, पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। आप जब जब इस वीडियो को देख रहे हो तो ये नोट्स जो हैं अपने सामने निकाल के रखिए। आप जब इनको लगा लेंगे, किसी भी किताब के क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन पूरे नोट्स को समझ लीजिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा जब आप वीडियो देख रहे हों तो आपको करना है कि पीडीएफ है, इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, एक पेन लेके बैठिए। आपको 100% अगर ये चीज़ समझ में आ गए, सारे टाइप समझ में आ गए, तो आप किसी भी किताब के क्वेश्चन लगाएंगे, 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइप सीखिए। पहला पॉइंट क्या है, जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर सबसे बड़ी वह संख्या एलसीएम, जिसकी पावर सबसे छोटी वह संख्या एचसीएफ होती है। पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर सबसे बड़ी वह संख्या लासा होगी, जिसकी पावर सबसे छोटी वह संख्या मासा होगी। लासा का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं एलसीएम, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे जीसीडी भी कहते हैं। एचसीएफ को हम लोग कभी कभी जीसीडी भी लिख के आ जाएगा, कि इसका जीसीडी क्या है, इसका मतलब भी मासा होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, 7 की पावर 10, 7 की पावर 12, 7 की पावर 8, 7 की पावर 15 में लासा क्या है, तो 7 की पावर 15 इसका लासा है, ये इसका मासा है, जो बड़ा है वो लासा है, जो छोटा है वो मासा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है पॉइंट में, देखा आपने पॉइंट के बाद जो नंबर है 5 है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर 5 है, पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 है, तो आप 0 बढ़ा के अगर बराबर करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर यहाँ पर बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है, तो ये क्या है, इसका लासा है, और ये इसका है, इसका मासा है। ठीक है, पॉइंट के बाद लिखा हो, जो छोटा होगा वो मासा होगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा, लासा होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर -7, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 5 की पावर -7, 5 की पावर -10, 5 की पावर -12, 5 की पावर -5 में लासा क्या है, मासा क्या है। आपको मालूम है कि यहाँ 5 की पावर -5 जो है, ये यहाँ पे 5 जो है ये बड़ा नंबर है, ये क्या है, बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर होगा ये लासा होगा, जो छोटा होगा ये क्या होगा, मासा होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 2। टाइप 2 ध्यान दीजिए, टाइप 2 बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक नंबर दिया है ये पी बराबर, एक नंबर दिया है क्यू बराबर, एक नंबर दिया है आर बराबर, पूछा है इसका मासा क्या है, इसका लासा क्या है, पी क्यू आर का लासा क्या है, इसका मासा क्या है। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए समझिएगा। यहाँ बोला गया पी क्यू आर का लासा, एलसीएम बोला गया, जब इसका एलसीएम बोला गया तो कैसे क्या करेंगे, पी क्यू आर का एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, कॉमन हो चाहे ना हो सबको ले लिया जाए, जैसे यहाँ लिखा गया है 20, यहाँ लिखा है 25, यहाँ लिखा है 30। ठीक है, आपने देखा सभी में कॉमन कितना है, 5, तो कितना मिला, 4, 5, और कितना मिला, 6। अब देखा आपने जो सभी में कॉमन है वो क्या है, इसका मासा है, कॉमन हो चाहे ना हो सबको ले लिया जाए तो क्या होगा, लासा। जो सभी में कॉमन है वो क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, जो कॉमन हो चाहे ना हो सबको ले लिया जाए तो क्या होगा, एलसीएम। जैसे लिखा है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10, बोला गया है इसका मासा क्या है, तो आप सभी को मालूम है मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो छोटा है ये इसका एचसीएफ है और जो बड़ा है वो इसका एलसीएम है। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, सवाल समझिएगा, क्वेश्चन सारे बहुत आसान। जैसे अब यहाँ बोला गया इसका एलसीएम क्या है, अगर आपको ये बोला जाए तो पहले एलसीएम देख लीजिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम यहाँ पे लिखा है, ये एलसीएम, तो देखिए सबसे पहले देखिए 2 सभी में है और 2 की बड़ी घात क्या है, तो एलसीएम में बड़ी घात लिया 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 यहाँ जो होगा 2 की पावर 3 होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, 3 देखा आपने, 3 में बड़ी घात क्या है, तो आप देखा 3 की पावर 4 बड़ी घात है, तो 3 की पावर 4 लिया। 5 में बड़ी घात कौन सी है, तो 5 का स्क्वायर है, 5 की बड़ी घात 5 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 7 हो गया, 7 ये हो गया, जो कॉमन हो चाहे ना हो सबको लेते हैं, तो इसके बाद हम लेंगे 7 भी लेंगे, 11 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, और क्या लेंगे, 15 भी लेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका लासा आपको आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं मासा की, मासा में क्या करते हैं, जो सभी में कॉमन हो छोटी पावर लेते हैं, तो ये 2 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, और 2 की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ 2 सबसे छोटा क्या है, 2। फिर देखा
तीन क्या स्क्वायर, तीन की पावर चार और तीन है तो छोटा क्या है तीन, पांच में क्या है पांच है, सात सभी में नहीं है, जो सभी में नहीं है उसको मास एससीएफ में नहीं लेते हैं, उसको एससीएफ में नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देखिएगा समझिएगा। मैंने आपसे फिर बोल रहा हूँ नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स के पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और एक एक क्वेश्चन कवर करिए, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दो की पावर, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये दो गुणे तीन गुणे पाँच का स्क्वायर गुणे सात, फिर लिखा है दो की पावर दो गुणे तीन गुणे पाँच का स्क्वायर गुणे ग्यारह, दो की पावर तीन गुणे दो की पावर तीन गुणे तीन गुणे पाँच की पावर चार गुणे तेरह में इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। करने का मैटर, जब इसका एससीएफ बोला जाए, इसका एससीएफ बोला जाए तो ये देखिए यहाँ सबसे छोटी घात कौन सी है, सबसे छोटी घात क्या है, दो में दो है, फिर यहाँ तीन लिखा है, यहाँ तीन लिखा है, यहाँ तीन लिखा है, तो छोटी घात क्या है तीन है, इसके बाद क्या है पाँच का स्क्वायर है, पाँच का स्क्वायर है, पाँच की पावर चार है, छोटा क्या है पाँच का स्क्वायर, क्या सात यहाँ सभी में है नहीं है, क्या ग्यारह सभी में नहीं है, जो सभी में है उसको लेंगे बाकी को नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसके एलसीएम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ दो की सबसे बड़ी घात कौन सी है, दो की पावर तीन, इसके बाद क्या है तीन, इसके बाद क्या है पाँच की पावर चार, यहाँ सबसे बड़ी घात है पाँच की पावर चार, सात ग्यारह तेरह सभी को लेंगे, क्यों सभी को लेते हैं, एलसीएम में कॉमन हो चाहे ना हो सभी को लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, अगला है टाइप थ्री, टाइप थ्री में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं सवाल ध्यान दीजिए, सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 2842 के लासा और मासा का अनुपात क्या है, 2842 के लासा और मासा का अनुपात, सबसे आसान सुने, लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2842 का लासा और मासा निकालते हैं फिर रेशियो निकालते हैं, ऐसी गलती आप मत करना, 2842 दोनों में जो कॉमन है उससे काट लो, आपने 14 से काटा तो ये मिला दो और ये मिला तीन, दो और तीन का मासा एक, दो तीन का लासा छः, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, खत्म हो गया। तो क्या किया, जो अगर नंबर तीन दिए हों तो तीनों में जो कॉमन मिले उससे काट लो, उसके बाद उसका लासा उसका मासा निकालिए, खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद ये बात आप समझ गए होगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही बोला गया है कि अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 24, 36 और 60 के लासा और मासा का अनुपात क्या है। तो क्या लिखा है, 24, 36, 60 का अंडर रेशियो लिया, 2, 3, 5 हुआ, 2, 3, 5 का अगर आपने लासा निकाला तो 30 हुआ, मासा 1 हुआ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं टाइप फोर की ओर, टाइप फोर में कैसे क्वेश्चन दिए हैं सवाल ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि नहीं तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, इनका मासा 12 है, तो इन संख्याएं क्या हैं, बोला है संख्याओं का रेशियो दिया है, इसका मासा दिया है, संख्याएं पूछी है, संख्याओं का रेशियो दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और इसका मासा दिया है 1। देखिए 2, 3, 4 का मासा 1 हुआ, क्योंकि मासा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है जो सभी मैक्सिमम कॉमन है उसका मासा 1 हुआ, और 1 का मान कितना दिया है 12, 12 × 24 = 36, 12 × 48 ये आपकी संख्याएं हो गई, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो संख्याएं कितनी हो गई 24, 36 और 48। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, इन संख्याओं का मासा 15 है, तो संख्याएं क्या है, बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए, देखिए संख्याओं का रेशियो यहां बोला है 3 और 4। देखिए जब भी रेशियो होगा कुछ भी वहां कॉमन नहीं होता, तो रेशियो आपको बोला है 3 और 4, संख्याओं का रेशियो 3, 4 है, 3, 4 का मासा 1 हुआ, 1 का मान 15, तो 15 × 45 और 15 × 4 = 60, आपकी संख्याएं क्या हो गई 45 और 60, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, संख्याएं 45 और 60। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सवाल ध्यान दीजिए कि नहीं दो संख्याओं का रेशियो 11:13 के अनुपात में है और बोला गया इसका मासा 13 है, मासा मतलब इसका एससीएफ जो है वो 15 है, तो देखिए 11 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका एससीएफ 1 हुआ, 1 का मान 15, तो पहला मान है 11 × 15 और दूसरा मान है 13 × 15, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, 11 × 15 = 165, 13 × 15 = 195, आपके क्वेश्चन का आंसर है 165 और 195। ठीक है, ये आपकी संख्याएं हो गई, बड़ी संख्या बोला तो आंसर क्या 195। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोला गया है कि नहीं चार संख्याओं का रेशियो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में, इन संख्याओं का मासा 12 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए संख्याओं का रेशियो जो आपको दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है और इन संख्याओं का मासा 12 है, तो इसका मासा 1 हुआ, 1 का मान 12, तो 12 × 5 कितना हुआ 60, ये इसकी बड़ी संख्या है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये बड़ी संख्या। बोला छोटी संख्या क्या है 12 × 24, कुछ भी पूछे आप लोग कर सकते हो, छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या है, छोटी बड़ी संख्या का अंतर क्या है,
जो भी बोला जाए आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोला गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3/5, 4/5 है, इन संख्याओं का लासा 4800 है, तो इन संख्याओं का मासा क्या है, कैसे करना होगा। देखिए, संख्याओं का रेशियो 3/4/5 बोला है, तो 3/4/5 का लासा निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग, तो 3/4/5 का लासा आ गया 60। ठीक है, उम्मीद ये बात कर लोगे आप लोग, 3/4/5 का एलसीएम हो गया 60। 60 का मान दिया 4800, तो 1 का मान 80, जो 1 का मान है वही इसका एससीएफ है, जो 1 का मान है वही क्या है इसका एससीएफ। यहां बोला इसका मासा क्या है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं चार संख्याओं का अनुपात, किन्हीं चार संख्याओं का अनुपात 2/5, 3/5, 4/5 है, 2:3:4:5 है, इन संख्याओं का लासा 24 है, इन संख्याओं का योग क्या है। बोला है संख्याओं का योग क्या है, कैसे करना होगा। देखिए, 2, 3, 4, 5 का आपने एलसीएम निकाला, तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम हुआ 60, 60 का मान हुआ 2400, 1 का मान हुआ 40, जो 1 का मान है ये क्वेश्चन का एससीएफ है, ये क्वेश्चन का मासा है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए, बोला संख्याओं का योग क्या है, कैसे समय बचा सकते हो ये देखो। ठीक है, तो आप क्या करो, जो रेशियो है इसका योग कर लो, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14 और 14 × 40 कर लीजिए 560, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया संख्याओं का योग। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप पहला नंबर निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा निकालो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको जोड़ो तो भी आंसर वही आएगा, ये इसका मेथड हुआ। लेकिन सीधे कैसे करना है, जो आपने रेशियो दिया था सीधे इसका योग निकाला, योग आया 14 और 14, 1 का मान दिया था 40, तो 14 का मान कितना हुआ, 1 का मान 40, तो 14 × 60 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 560। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का रेशियो 3/4 के अनुपात में इसका मासा 15 है, संख्याओं का लासा क्या है। देखिए, 3 और 4 का मासा 1, लासा हुआ 12, 3 और 4 का ये हुआ SCF, SCF को हम लोग GCD भी कहते हैं, याद रखिएगा, और ये क्या है इसका LCM है, ये LCM हो गया, 1 का मान 15, तो 12 का मान 180, आपके क्वेश्चन का आंसर है 180। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, सवाल आपको बोला गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2/5, 3/5, 4 है, इन संख्याओं का मासा 16 है, इन संख्याओं का लासा क्या है। सबसे आसान सुनिए, 2, 3, 4, 5 का मासा SCF जो हुआ वो 1 हुआ, इसका एलसीएम जो हुआ 12 हुआ, 1 का मान 16, तो 12 का मान 192, 1 का मान 16, तो 12 का मान 16 × 12 = 192। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 9, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि नहीं तीन संख्याओं का अनुपात 3/5, 4/5 है, इन संख्याओं का मासा 15 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या है। 3, 4, 5 का एससीएफ हुआ 1, तो इसका एलसीएम हुआ 60, 1 का मान 15, तो 60 का मान 900, 1 का मान 15, तो 60 का मान कितना होगा 900। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये दिए हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चन। भिन्न वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कैसे करना होता है ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपको एक भिन्न दी है 7/9, 14/15, 7/10 का एससीएफ क्या है, ये आपसे पूछा गया, बोला गया इसका एससीएफ। ठीक है, कैसे करना होगा समझिएगा, ये आपको भिन्न दी है इसका एससीएफ पूछा है, याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का जो एससीएफ होगा, ऊपर का एससीएफ नीचे का एलसीएम, ऊपर का एससीएफ नीचे का एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर का एससीएफ 7, 14 और 7 का एससीएफ, ठीक है, और नीचे का एलसीएम खत्म, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन इसका एससीएफ। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा 7/90। ठीक है, तो आप लोग सीख गए होंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें ऑप्शन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन टाइप चल रहा था आपका, भिन्न वाले क्वेश्चन। तो भिन्न वाले क्वेश्चन में जो आपने अभी सीखा है, वो अभी आपने एक क्वेश्चन सीखा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन शायद आपको इस तरफ दिया है, अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा समझिए, ये आपको एक फ्रैक्शन दी है, आपको एक भिन्न दी है, संख्याएं कुछ दी है। ठीक है, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एससीएफ क्या है, क्या बोला है इसका एससीएफ क्या है। जब इसके ऑप्शन दिए होंगे तो भी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को देखना सिखाऊंगा, बहुत आसान है। इसका एससीएफ बोला तो ऊपर का एससीएफ, ऊपर सभी में कॉमन 1 है, नीचे का एलसीएम, क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन ने बोला इसका
SCF क्या है, इसका मासा क्या है, करने का मेथड देखिए। आपको यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए होंगे, SCF मतलब ऊपर का SCF, तो आपने देखा कि 9, 12, 18, 21 सभी में कॉमन जो है वो 3 है, तो ऊपर 3 होना चाहिए, दो ऑप्शन यहाँ चले गए। अब नीचे के, अगर हम ऊपर का SCF हो गया, नीचे के LCM की बात करें, तो LCM जो होता है उन संख्याओं से हमेशा ज़्यादा होता है। LCM क्या होता है, संख्याओं से हमेशा ज़्यादा होता है। तो बस आपको दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या है, 3/1400। उम्मीद है आप लोग सॉल्व करके चेक कर लें, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हैं आप उनको सॉल्व करिएगा, सारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टाइप है टाइप नंबर 6 है, टाइप नंबर 6 बहुत आसान है, सवाल ध्यान दीजिए, नंबर आपको पॉइंट में दिए हैं, दशमलव में दिए हैं। ये लिखा है 1.75, 5.6 और 7 का SCF क्या है, करने का मेथड। आपने इसको लिखा है 175/100, 56/10, 175/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, 100 हो गया, ये 10 हो गया, ये इतना हो गया, बोला गया इसका SCF। बच्चों ही याद रखिएगा, कभी भी किसी फ्रैक्शन का SCF निकालना हो तो सबसे पहले जो नंबर है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, आपसे एग्जाम में गलती होगी, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ गलती होगी। जब भी किसी भिन्न का LCM या SCF निकालना हो तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा 175/100, 56/10, 7/1, तो आपने निकाला, उसको फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन चेंज करने के बाद आपका ये बना, ठीक है। आपने इसको सिंपल काट लिया, इसे 25 से काटा 7, 25 से काटा 4, 2 से काटा 28, और इतना ये आपका इतना बना। और पूछा इसका क्या है, इसका SCF बोला है, तो आपने इसका SCF निकाला, ऊपर का SCF, ऊपर का SCF 7 आया, नीचे का LCM 20 आया, सॉल्व किया, तो आंसर क्या है, 0.35, ठीक है। जब आपसे एग्जाम में गलती होगी तो आप क्या करके आओगे एग्जाम में, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि आपसे एग्जाम में क्या गलती होगी, ये ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में क्या गलत करोगे, आप क्या करोगे, हो सकता है आप ऐसा कर दो जो गलत होगा, मैं पहले बता रहा हूँ जो गलत है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि आपसे वो गलती होने वाली है। आप एग्जाम में ये करोगे 175/100, फिर लिखोगे आप 56/10, फिर लिखोगे 7/1, और बोलोगे इसका SCF, लिखोगे ऊपर का SCF, नीचे का LCM, क्वेश्चन का आंसर 0.07, विश्वास करो ये पक्का दिया होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, गलत होगा। आप ऐसी गलती मत करना, ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन पॉइंट में दिया हो, जब भी कभी फ्रैक्शन की बात करें, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न का मतलब होता है उसको सरलतम रूप में चेंज करते हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, अगला सवाल, अगला इसका एक मेथड और बनता है, एक मेथड और देख लीजिए, इसका एक मेथड और क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए, देखिएगा, मैक्सिमम दशमलव दो अंक बाद है, तो आप सभी में 100 का गुणा करा दें, जिससे दशमलव हट जाएंगे। आपने यहाँ 100 का गुणा कराया तो ये मिला 175, यहाँ 100 का गुणा कराया तो ये मिला 560, यहाँ 100 गुणा कराया तो ये आपको मिला 700। आपने इसका मासा निकाला तो देखा इसका मासा जो आएगा 35 आ जाएगा, कितना आएगा इसका SCF, कितना आ जाएगा 35, ठीक है। 100 का गुणा कराया तो आप 35 से 100 से भाग दे दीजिए, क्वेश्चन का आंसर है, ये भी इसका मेथड है, चाहे लासा निकालना हो चाहे मासा निकालना हो, ठीक है। तो ये आपका टाइप 6 हो गया। आगे चलते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप 7 में जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बोला गया है पेयर वाले क्वेश्चन, जोड़े वाले क्वेश्चन। जोड़े वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए समझिए। क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्या मासा, देखो फिर सुनना, संख्याएँ जो भी होती हैं हमेशा मासा के गुणज में होती हैं, SCF के गुणज में होती हैं। क्यों? SCF होता है उन संख्याओं में कॉमन। अगर कोई भी नंबर है, जैसे आपको बोला गया कि दो संख्याओं का मासा 17 है, दो संख्याओं का SCF 17 है, तो नंबर होंगे 17x और 17y। नंबर क्या होंगे? तो जो भी संख्याएं होंगी हमेशा मासा के गुणज में होती है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? LCM * SCF बराबर पहली संख्या * दूसरी संख्या, मतलब संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन समझिए, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 15 है, उन संख्याओं का लासा 225 है, ये पहला क्वेश्चन है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी दो अंक की संख्याओं कितने जोड़े होंगे, ऐसी दो अंक की संख्याएं कौन सी हैं, करने का पहले बेसिक मेथड देखिए, इसके बाद इसको आसान करेंगे, कैसे करना है देखिए। पहला नंबर 15x, अगला नंबर 15y, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCF इंटू LCM, ये हो गया SCF, ये हो गया LCM। तो आपने इसको 15 से 15 इसको काटा, इससे इसको काटा, x इंटू वाई का मान 15 मिला, 15 के फैक्टर्स जो होंगे वो को प्राइम होंगे। कैसे होंगे? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहभाज्य नंबर। को प्राइम होता क्या है? जब दो संख्याएं जोड़े में लिखी उनका मासा एक हो, दो संख्याएं जोड़े में मतलब पेयर में लिखी उनका मासा एक हो, ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 15 3 और 5, 1 और 15 3 और 5, ऐसी संख्याओं के कुल पेयर बोला तो आंसर क्या है? 2। ऐसी संख्याओं के कुल 2 जोड़े होंगे, ठीक है। अब इसके बाद समझिए, आपने गुणा कराया, इसमें जो कॉमन कितना था?
15 था, तो आपने जो नंबर इसका जो मासा दिया था 15 दिया था, तो पहला नंबर 15x होगा, अगला नंबर 15y होगा। तो यहाँ पे 1 और 15, 3 और 5 यहाँ पे x और y के मान हैं। आपने x और y के मान यहाँ रख दिए, तो 15 × 15, 15 × 15 225, 15 × 45, 15 × 75 ये आपकी दो संख्याएं हो गई। अगर यहाँ बोला ऐसी दो अंकी संख्याएं, उसने बोला ऐसी दो अंकी संख्याएं, तो ये जो नंबर है दो अंकी नहीं है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसी दो अंकी संख्याओं का केवल एक जोड़ा होगा। ऐसी दो अंकी संख्याएं कौन सी हैं? तो क्वेश्चन का आंसर है 45 और 75। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 45 और 75। ठीक है, चलिए इसको कैसे और करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे और समझ देंगे इसको आसान करने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, देखिए शायद मैंने इसमें किया हो, नहीं किया है, समझा दे रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, संख्याओं का मासा 15 था, ये लासा दिया था, आप इसको भाग दे दीजिए, भाग दे दिया आपने, 15 मिला। जितनी बार भाग गया उसके सहभाज्य फैक्टर कर लीजिए, जितने सहभाज्य फैक्टर होंगे उतने पेयर खत्म, जितने सहभाज्य फैक्टर होंगे उतने पेयर, तो इसके पेयर जो हो गए वो आपके कितने हो गए? दो। ठीक है, तो 15 × 15, 15 × 15 किया 225, 15 × 45, 15 × 75, तो आपकी संख्याएँ भी आ गई और पेयर भी आ गए। उसने बोला ऐसी दो अंकी संख्याओं के कितने पेयर होंगे? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 45 और 75, ये है ऐसी दो अंकी संख्याओं के पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कैसे करना होगा बस ध्यान से देखिए, कैसे आसान कर सकते हैं आप ये सीखिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि दो संख्याओं का मासा 17 है और लासा 510 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? ऐसी दो अंकी संख्याओं कितने जोड़े होंगे? ऐसी दो अंकी संख्याएं कौन सी हैं? करने का मेथड सीखिए, कैसे करना होगा। जो लासा दिया था मासा से भाग दिया, जितनी बार भाग गया उसके पेयर बना लीजिए। पेयर कैसे बनाते हैं? को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? संख्याएं जोड़े में हो, उनका मासा एक हो। 30 के फैक्टर हुए 1 और 30। फिर याद रखिए पेयर शुरुआत हमेशा एक से कीजिएगा। 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, 5 और 6, ये इसके फैक्टर हुए। जितने फैक्टर होंगे उतने ही पेयर हुए। आपने क्या किया, ये 17 से गुणा करा दिया, तो आपके नंबर भी आ गए। उसने पूछा था कितने पेयर, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, कुल 4 पेयर होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 16 है और लासा 320 है, ऐसी दो अंकी संख्याओं कितने जोड़े होंगे? पूछा ऐसी दो अंकी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? आपने क्या किया, लासा ये था, मासा ये था, एलसीएम ये था, एचसीएफ ये था, भाग दिया 20 बार गया, 20 के पेयर किए, फैक्टर किए, 1 और 20, 2 और 10, 4 और 5। 2 और 10 को यहाँ पे क्यों काटा? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। क्या है? को प्राइम नहीं है, फैक्टर हमेशा को प्राइम ही होंगे। आपने देखा जब ने 16 गुणा कराया, 16 × 16, 16 × 20, 320 हुआ, 16 × 64, 16 × 5, 80। ऐसी दो अंकी संख्याओं के दो पेयर एक पेयर है, और पेयर कौन सा है? 64 और 80। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? तो 64, 80। समझ में आ गया होगा, उम्मीद आप लोग इसे कर पाएंगे। अगर पेयर की बात करेगा, कुल पेयर, तो आंसर 2 होगा, और ऐसी दो अंकी संख्याओं का पेयर, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का मासा 16 है और लासा ये है। तो लासा देखिए यहाँ पे क्या है, संख्याओं का जो लासा है वो मासा से हमेशा कटना चाहिए। संख्याओं का लासा मासा से हमेशा कटना चाहिए, यहाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो आंसर होगा ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा, ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से आपका टाइप 7 हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 7 में ही आपको बी और दिया है, इसको और देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया किन्हीं दो संख्याओं का मासा 15 है, किन्हीं दो संख्याओं का जो मासा है वो 15 है, और उनका योगफल 105 है, उनका एडिशन जो दिया है 105 दिया है। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? करने का मेथड समझिए, फिर देखिए। नंबर यहाँ पे मासा जो है 15 है, एचसीएफ जो है 15 है, तो नंबर होंगे 15x और 15y। ठीक है, तो 15x और 15y का योग दिया 105, x प्लस वाई का मान हुआ 7। तो 7 के जो पेयर बनेंगे कैसे बनेंगे? योग से बनेंगे। कैसे बनेंगे? योग से। तो 7 के पेयर क्या होंगे? 1 और 6, 2 और 5, 3 और 7, तीनों जो है वो को प्राइम है। यही आपका आंसर हुआ, ऐसे कुल 3 पेयर होंगे। उम्मीद है आप लोग ये लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है, उन संख्याओं का योगफल 108 है, बताइए ऐसी संख्याओं के कुल कितने पेयर हैं? संख्याओं का मासा 12 है, 12 आपने कॉमन ले लिया, वही होगा मासा 12 है, तो नंबर होंगे 12x और 12y। 12 आपने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई का मान 9 मिला, 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5, पेयर कितने? 3। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बोला है टाइप सी। इसका टाइप सी क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कैसे करते हैं, देखिएगा।
ये लिखा है सर 24 और 30, क्या लिखा है 24 और 30, 24 30 का लासा होता है ये और मासा होता है, इन दोनों का मासा क्या है 6। आपने ये बताइए जो भी नंबर है, कोई भी नंबर आपको बोला है एलसीएम, एलसीएम क्या होता है उन नंबर से कट रहा होगा, उन नंबर से बड़ा होगा और कट रहा होगा। एससीएफ में क्या होता है दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा दोनों में मैक्सिमम कॉमन होगा। तो क्या सीखा, जो एलसीएम होगा वो एससीएफ से हमेशा कट रहा होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिएगा किन्हीं दो संख्याओं का लासा एलसीएम दिया गया है, कौन संख्या इसका मासा नहीं हो सकती, मासा मतलब एससीएफ नहीं हो सकती, कौन सी संख्या इसका एससीएफ नहीं हो सकती ये उसने बोला है। देखिए 120 से 12 से कटता है, 24 से कटता है, क्या 25 से 120 कटता है, नहीं कटता, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 20 25, तो ऑप्शन क्या है सी सही है। क्यों, 120 से कटना चाहिए, 120 से कटना चाहिए, कौन नहीं कट रहा है, 25 नहीं कट रहा है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 15 है, निम्नलिखित में से कौन संख्या लासा नहीं हो सकती, लासा क्या जो 15 से ना कट रहा हो, ठीक है 15 से जो नहीं कट रहा होगा वही उसका लासा नहीं हो सकता। 15 से आपने भाग दिया 105 कटता है, 120 कटता है, 135 भी कटता है, 145 नहीं करता है, तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग सीट कंप्लीट करते हैं, सीट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जब बुक के क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं परस्पर सहभाज्य हैं, उन संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उसका मासा क्या है ये बताइए। जब भी संख्याएं सहभाज्य होती हैं, सहभाज्य तो देखिए जब ये संख्याएं सहभाज्य हैं फैक्टर 11 और 13 होंगे, इनका मासा हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा। जब भी दो संख्याएं परस्पर सहभाज्य बोली जाएं तो सहभाज्य का मतलब क्या, उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, और जब कॉमन है नहीं तो उसका मासा जो इसका एससीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे आपको ये बोला जाए दो संख्याएं ए और बी हैं जो कि परस्पर सहभाज्य हैं, इसका मासा क्या है तो हमेशा 1 होगा, इसका लासा क्या है तो ए इंटू बी होगा, तो एलसीएम होगा ए इंटू बी, क्यों दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एससीएफ होगा हमेशा 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला सवाल आपकी बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, आप पहले ये देखिए कैसे करना होगा। क्वेश्चन ये, दो संख्याओं का योग 36 है और मासा 3 है, इन्हीं दो संख्याओं का जो योग दिया है वो आपको 36 दिया है, मासा 3 दिया है, लासा 105 दिया है, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है ये उसने पूछा है। ध्यान दीजिए यहाँ संख्याओं का मासा आपको 3 दिया है, तो नंबर होंगे 3x और 3y, तो आपने देखा 3x प्लस 3y का जो योग है 36 है, तो यहाँ पर x प्लस y का जो मान मिला हमें 12 मिला। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, तो इसका जो मासा है एससीएफ जो है वो आपको बोला गया है कितना 3, और एलसीएम बोला है 105, 3 से 3 कट गया, इससे इसको भाग दिया तो आपको कितना मिला 35 मिला। ये जो मान मिला हमें x इंटू वाई का मान मिला है, और ये जो मान मिला है x प्लस वाई का मान मिला है। अच्छा आप ये बताइए, दो संख्याओं का योग 12 है, एडिशन 12 है, और मल्टीपल 35 है, तो आप अगर नंबर एग्जूम कर सकते हैं तो कर लीजिए, नंबर होंगे 7 और 5, क्या होंगे 7 और 5, 7 और 5, 7 गुणे 5 हुआ 35, 7 और 5 कितना हुआ 12। अब ये बताइए x का मान यहाँ पे 5 है, y का मान 7 है, आपने 3 से गुणा करा है, 3 से गुणा क्यों कराएंगे, क्योंकि एससीएफ 3 दिया था, पहला नंबर आ गया 15 और दूसरा नंबर आ गया 21, 15 का व्युत्क्रम हुआ 1/15 और 21 का व्युत्क्रम हुआ 1/21, इसका आपने एलसीएम लिया तो 105 आया, 15 से भाग दिया 7 बार, 21 से भाग दिया 5 बार, तो ये हो गया 12/105, 3 से काट लिया, जैसे आपने 3 से काटा तो कितना मिला, ये मिला 4, इसके बाद आपने इसको काटा 3 से तो कितना मिला 35, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर है 4/35। ठीक है, इसको कैसे आसान कर सकते हैं ये भी सीखिए, कैसे आसान कर सकते हैं। देखिए जो मासा दिया हो पहले योग से भाग दे दो, तो योग से भाग दिया ऊपर 12 मिला, अब इसको एलसीएम जो मासा दिया था लासा में भाग दे दो तो ये आपको 35 मिला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना, जो मासा दिया है उसका गुणा करा दो, जो मासा दिया उसको नीचे लिख दो तो गुणे 3 कर दो, 3 से भाग दे दो 4, इस टाइप के जितने सवाल है सारे खत्म हो गए। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा, फिर एक बार ध्यान देना, फिर एक बार सुनना। देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1/x + 1/3
अपॉन वाई, इसमें जो इनटू होगा हमेशा नीचे होता है, ऊपर यहाँ पे हमेशा योग होता है। तो हमने वही आपसे कहा कि जो योग दिया था उसको मासा से भाग दिया, 12 मिला, तो ये ऊपर योग हो गया, एक्स वाई का मान हो गया, नीचे क्या हो गया, 35 मिला। अब ये चार के गुणज में ही होगा, चार गुणज क्यों होगा मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, मासा गुणज में होगा। तो मासा यहाँ तीन था, तीन से भाग दे दिया, चार बचा, क्वेश्चन का आंसर 4/35। इस टाइप के जितने भी सवाल है सारे इस मेथड से हो जाएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, या क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे तो आपकी सीट में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिए, सेम ऐसे ही है, इसको कैसे आसान करना है आप ये सीखिए, कैसे आसान करना है। योग दिया है 45, उनका मासा जो दिया है तीन दिया है, तीन से भाग दिया ऊपर 15, तीन से भाग दिया, तीन प्लस 15, तीन से 18। अब यहाँ पे क्या किया, मासा तीन था, तीन से भाग दे दिया 5, क्वेश्चन का आंसर 5/56। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो एग्जाम में लगेंगे 2 से 3 मिनट, सॉल्व नहीं किया तो 4 से 5 सेकेंड, आप क्वेश्चन को 4 से 5 सेकेंड में कर सकते हो। तो यहाँ से आपका टाइप खत्म हो गया, टाइप 7। आगे चलते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 8 में जो क्वेश्चन दिए हैं सारे अच्छे सवाल हैं। टाइप का नाम लिखा है एलसीएम पर आधारित प्रश्न। एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। ये एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड 45 सेकंड, इस 36 सेकंड के बाद यहाँ होगा 45 सेकंड और 54 सेकंड का समय लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कितने समय बाद ये एक साथ मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक ने कितने चक्कर लगाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए, आगे यहाँ लिखा हुआ है यदि धावक 7 बजे दौड़ना आरंभ करें अगली बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे। चौथी बार धावक कितने बजे एक साथ मिलेंगे। ये धावक एक साथ लगातार 1.5 घंटे दौड़े हों तो कितनी बार एक साथ मिले हों। 1 घंटे दौड़े तो कितनी बार एक साथ मिले, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए पथ यहाँ पे वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। ये यहाँ पे पथ हुआ, पहले समय 36, फिर 45, फिर 54, कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आपने जब इसका एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आ गया 540, ये 540 सेकेंड, 540 सेकंड बाद ये एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो 540 सेकंड अर्थात 9 मिनट, 540 सेकंड था बताया, 9 मिनट बाद ये एक साथ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था सुबह 7 बजे दौड़ना आरंभ किया अगली बार कितने बजे मिलेंगे। तो 7 बजे दौड़ना आरंभ किया अगली बार 7:09 पे, 7 बजे दौड़ना आरंभ किया अगली बार कितने बजे मिलेंगे। तो आंसर क्या है, 7:09 पे। अगला क्वेश्चन ये है ये धावक चौथी बार कितने बजे एक साथ मिलेंगे। देखिए जब उन्होंने एक साथ दौड़ना आरंभ किया तो वो पहली बार एक साथ मिले हैं, तो पहली बार वो 7 बजे मिले, दूसरी बार 7:09 पे, तीसरी बार 7:18, चौथी बार क्या होगा 7:27। आपसे गलती ये होगी, आप कहोगे 7:36 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बार वो एक साथ मिले तो पहली बार 7 बजे मिले, चौथी बार 7:27 पे मिलेंगे, ठीक है। हर 9 मिनट के बाद मिलते हैं, चौथी बार कब मिलेंगे, 7:27। अगला क्वेश्चन क्या है यदि धावक लगातार 1.5 घंटे दौड़े हों तो 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में कितने मिनट हुए, तो 90 मिनट हुए। 9 मिनट में एक बार, तो 1.5 घंटे में भाग कितनी बार गया, 10 बार। और एक क्यों जोड़ा, क्यों, क्योंकि 90 मिनट में 10 बार मिले लेकिन जब वो दौड़ना आरंभ करते हैं तो पहली बार वो एक साथ मिले थे, तो 10 और 1 कितना हुआ, 11 बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 11 बार। लगातार 60 मिनट दौड़े तो कितनी बार मिले, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7 बार। 9 से भाग जितनी बार गया, कितनी बार गया, 6 बार गया, तो 9 6 कितना हुआ, 54। तो जो रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब नहीं है, तो 60 मिनट में 6 बार मिले, एक बार और एक क्यों ऐड किया, क्योंकि पहली बार वो एक साथ दौड़े थे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 7 बार। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां जो कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, यदि लाइटें 8:20 पे एक साथ जली हों तो अगली बार कितने बजे एक साथ जलेंगी। करने का मेथड सीखिए। देखिए पहले उसने बोला है 48 सेकंड, फिर उसने बोला है 72 सेकंड, फिर उसने बोला है 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। तो 48/60, 72/7, 108/60, आपने इसको मिनट में चेंज किया, आपने इसको सिंपल कर लिया, काट लिया 4/5, 6/5, 9/5। अब बोले कितने समय बाद मिलेंगी, जो भी समय होगा इससे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। आपने इसका एलसीएम निकाला, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का 4, 6, 9 का एलसीएम 36, 80/5, तो क्वेश्चन का आंसर 7 से 1/5, मतलब 7:12 बाद वो एक साथ मिलेंगे। अब देखो अगली पहली बार कब चले थे, 8:20 पे, तो अगली बार 7:12 बाद, तो आंसर कितना होगा, 8:27 पे अगली बार वो एक साथ चलेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक सेम ऐसे क्वेश्चन है, सवाल ध्यान दीजिएगा। छह घंटियां, छह बेल जो कि एक साथ बजना आरंभ करती हैं, जो कि एक साथ बजती दो चार छह आठ दस बारह सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो देख कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी। तो को जितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, जो समय होगा उनके दिए गए समय से ज्यादा होगा, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दो चार छह आठ दस बारह का एलसीएम, यहाँ दो को हटा सकते हैं, चार को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि दो चार के गुणज में और चार आठ के गुणज में है। चार आठ दस बारह का एलसीएम हुआ 120 सेकेंड का मतलब दो मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर चार, सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिएगा, समझिएगा। तीन घंटियां क्रमशः 36 सेकंड 40 सेकंड तथा 36 सेकंड 40 सेकंड तथा 48 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं के बजती हैं, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। करने 36 40 48 का एलसीएम आ गया 720 सेकंड, मतलब 12 मिनट बाद आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12 मिनट बाद वो बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप नाइन। टाइप नाइन में क्या दिया है, सवाल ध्यान दीजिए, समझिएगा, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, बस क्वेश्चन देखिए और समझिए कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला है एक वृत्ताकार पथ, देखिए याद रखिएगा वृत्त जो पथ है वो वृत्ताकार आयताकार वर्गाकार कैसा भी हो उसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। पथ की लंबाई यहाँ पे दी है 40 किलोमीटर, पथ की लंबाई दी गई 40 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोला है तीन धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरम्भ करते हैं, इनकी चालें क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, पहले की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा उसने बोला है। पूछा है कितने समय के बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे, तो जो भी समय होगा इनसे ज्यादा होगा तो हमें एलसीएम निकालना है। और याद मालूम है इस यहाँ एलसीएम किसका निकालना है, ये आपको बोला है चाले दिए किलोमीटर प्रति घंटे और ये दिए डिस्टेंस, तो पहले आपको समय निकालना है। क्या करना है, समय निकालना है। तो जब भी आप समय निकालेंगे तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 40, ये चाल है, इसके बाद दूरी है 40, ये इसकी चाल है, फिर दूरी है 40, ये इसकी चाल है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। किसी भी भिन्न का एलसीएम क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। तो देखा ऊपर 40 40 40, ऊपर का एलसीएम आ गया 40, एससीएफ आ गया 5। क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये व्यक्ति जो हैं, ये जो बाइक सवार हैं या जो भी हैं, ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, 8 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है, ये जब एक साथ मिलेंगे तो कितनी दूरी चल चुके होंगे। अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या करेंगे, चक्कर पूछे तब क्या करेंगे, दोनों में आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पहले की चाल है 15, मिलता है 8 घंटे बाद, पहले की चाल है 15 और मिलता कितनी देर बाद है, 8 घंटे बाद। तो 15 8 पहले धावक द्वारा चली गई दूरी 120 किलोमीटर, अच्छा दूसरे के द्वारा 160 किलोमीटर, तीसरे के द्वारा 200 किलोमीटर, ये क्या है, इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस जब एक साथ मिले। अब ये बताइए पहला 120 गया, एक चक्कर 40 का है, चक्कर कितने हैं, 3, दूसरे के धावक के 4, तीसरे धावक के 5। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इतना क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए कैसे करना है। देखिए एक वृत्ताकार पथ जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है, इस पर तीन धावक एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, इनकी चालें 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो पहले हमें समय निकालना है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस है 24, पहले की चाल है 12, दूसरे की चाल है 16, तीसरे की चाल है 20। अब जितने समय बाद मिलेंगे इससे ज्यादा होगा, तो एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाला तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 6 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए पहले की चाल है 12 और मिला 6 घंटे बाद है, तो पहले की चाल है 12, मिला 6 घंटे बाद है, डिस्टेंस कितनी है 72, दूसरे की 96, तीसरे की, ये डिस्टेंस आ गई, पहले के द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ये आ गई, एक चक्कर कितने का है 24 किलोमीटर का, तो चक्कर कितने हुए 3, दूसरे के 4, तीसरे के 5, तो इनके कुल चक्कर बोले तो 5 4 9 3 12, कुल चक्कर कितने लगाए 12। बोला पहले धावक के चक्कर 3, दूसरे धावक के, तीसरे धावक के। उम्मीद आपको समझ में गया होगा। अगला आपका टाइप 10। टाइप 10 में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, सवाल ध्यान दीजिए, देखिए सवाल सारे बहुत आसान है, बस समझिएगा, देखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन ये है, पत्थरों के एक ढेर में कुछ पत्थर हैं, जब उन ढेरों को 12, 15, 16 के ढेर में लगाया जाता है तो 7, 10, 11 पत्थर शेष बच जाते हैं, उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। देखिए 12, 15, 16 के ढेर में लगाते हैं, 7, 10, 11 पत्थर शेष बचते हैं, तो ये ऐसे लिखिएगा 12, 15, 16 के ढेर में लगाए, पहले कितने बचे 7, फिर कितने 10, फिर कितने 11, तो 12, 15, 16 का एलसीएम आएगा 240। सबके बीच का अंतर आपकी किताब में जितने सवाल हैं सब में इक्वल आएगा, अंतर 5 माइनस कर लिया, क्वेश्चन का आंसर हुआ 235। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का टाइप आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को 8 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 6 विद्यार्थी बच जाते हैं, 10 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 8 विद्यार्थी बच जाते हैं, 12 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 10 विद्यार्थी बच जाते हैं, विद्यालय में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं। तो 8, 10, 12 का एलसीएम हुआ 120, सबके बीच का अंतर हुआ 2, क्वेश्चन का आंसर 118। उम्मीद आपको टाइप क्लियर हो गया होगा, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ऐसे ही और है, एक क्वेश्चन ऐसे और देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 11, 13 से भाग देने पर 2, 4, 8, 10 शेष बचे। तो बताइए संख्या कौन सी है, 5, 7, 10 और 13 का एलसीएम निकाला, सबके बीच का अंतर हमने माइनस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको टाइप 10 तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जो आपका टाइप है, टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 क्या सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5, लेकिन 7 से भाग देने पर 0 बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। करने का मेथड क्या हो, करने का मेथड ध्यान दीजिए। देखिए 2 से भाग देने पर 1, या आपने अभी पहले भी सीखा था, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 और 7 से 0 बचता है। अभी इसको छोड़ दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लिया, सबका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60, सबके बीच का अंतर 1 है, आपने अंतर को माइनस किया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट हमें जोड़ना है, एक कॉन्स्टेंट जोड़ना है, इसको ध्यान छोड़ दें, इसको हटाने। अब एक कॉन्स्टेंट हमें ऐसा जोड़ना है जिसमें k का मान कुछ भी रखने पर, k हमने लिखा, k का मान ऐसा मान होना चाहिए जिसको रखने पर जो नंबर मिले 7 से कट जाए। उसके लिए क्या करें, इस 60 को 7 से भाग दे दें, 7 8 56 हुआ, 56 हुआ तो बचा कितना, 4k-1। अब ये यहाँ थोड़ा छोटा हो गया है, k का मान 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, k का मान 2 रखा, जैसे k का मान 2 रखा तो हमें 7 मिला और 7 से पूरा पूरा कट गया। जब 7 से पूरा पूरा कट गया तो k का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2 आया, k का मान 2 हमने यहाँ रख दिया, 60 × 120 में 1 गया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 119। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 119। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 119। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं, उन किताबों को 8 की पंक्ति में लगाया जाता है तो 6 किताबें बच जाती हैं, किंतु इन किताबों को 8 की पंक्ति में लगाते हैं तो 8 किताबें बच जाती हैं। 8 में लगाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे करना है, ठीक है, 8 में लगाते हैं तो 6 किताबें बच जाती हैं, जब 8 की पंक्ति में लगाते हैं तो 6 किताबें बच जाती हैं, 10 में 8 बच जाती हैं और 12 में 10 बच जाती हैं। 8, 10, 12 का एलसीएम हुआ 120, सबके बीच का अंतर हुआ 2, तो यहाँ पे लिखा हमने क्वेश्चन के, k का मान तुम्हें ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर जो नंबर है वो आपका किससे कट जाए, उसने बोला 14 की पंक्ति में रखने पर कोई भी शेष नहीं बचता तो जो नंबर है वो 14 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसे 14 से भाग दे दिया, 14 8 112, तो बचा कितना 8k-2, 14 का भाग दिया, 14 8 112, कितना बचा 8k-2, 8k-2 बराबर 14 का गुणज होगा, तो 14 का गुणज का हमें छोटा मान निकालना है, तो आपने 2 को इधर भेजा तो 8k का मान यहाँ पे हुआ 16, तो यहाँ से k का मान हमें कितना मिल गया, 2, k का मान 2 हमने यहाँ पे रखा तो 120 × 240 में 2 गया, तो 240 में से 2 गया तो 238, आपके क्वेश्चन का आंसर है 238।
उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेन यहाँ पे के का मान रखना, के का मान आप कैसे भी रख सकते हो, आप चाहो के का मान आप चाहो तो इससे भाग देने के बाद एग्जूम करके रख लो या बराबर 14 गुणज लेके के का मान निकाल लीजिए। ये दोनों मेथड सही हैं, आप जिससे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 क्या है, सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये, 105 बकरियाँ, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण नाविक ये शर्त रखता है कि वह एक बार में एक ही प्रकार के तथा गिनती में एक समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। एक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या क्या है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखिए, 105 बकरियाँ हैं, 140 यहाँ पे गधे हैं, ठीक है, तो 140 गधे और ये आपकी गायें हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन तीनों में जो मैक्सिमम कॉमन होगा, इन नंबर में जो मैक्सिमम कॉमन मतलब इसका SCF या GCD, ठीक है, तो इसका जो मासा होगा वो होगा एक बार में ले जाए जाने वाले जानवर। ठीक है, तो आपने देखा इनमें सभी में 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो कॉमन कितना मिला, 35। तो एक बार में कितने जानवर ले जाएगा वो, 35। ठीक है, गधों को ले जाने के लिए उसने बोला, बकरियों को ले जाने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, 3 गधों के लिए, 4 गायों के लिए, 5, कुल चक्कर कितने लगाए, तो कुल चक्कर कितने लगाए, 12, खत्म हो गया। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है, एक किसान के पास 945 गाय, ध्यान दीजिएगा, एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भेड़ें के वह रेवड़ बनाता, रेवड़ मतलब कैटल समूह बनाता है। आगे उसने बोला है, गाय और भेड़ों को अलग अलग रखकर वे पशुओं की संख्या बराबर रखता है। यदि हर रेवड़ यथासंभव बड़े हों, मतलब मैक्सिमम जानवर रखने हैं, 80 निकालना है, तो पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पशुओं की अधिकतम संख्या और अपेक्षित रेवड़ों की संख्या क्या है। देखिए, ये यहाँ पे गाय और घोड़े जो भी है यहाँ पे, आपने इसका SCF निकाला, तो SCF आपने देखा कितना आ गया, 45 आ गया। SCF कितना आ गया, 9×45 आ गया। आप बताइए इसके लिए कितने रेवड़ बनेंगे, 21, इसके लिए कितने बनेंगे, तो टोटल रेवड़ कितने बने, 76, और एक रेवड़ में जानवर कितने हैं, 45। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, एक रेवड़ में जानवर बोले तो 45, और कितने रेवड़ बनेंगे, कितने कैटल बनेंगे, तो आंसर क्या है, 76। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल पढ़ लीजिएगा, सवाल बहुत आसान सा है, कैसे करना है देखिए। ठीक है, कह रहा है तीन खेत हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 295 वर्ग मीटर है। इनमें से बराबर बराबर माप के फूलों की क्यारियाँ बनानी है, प्रत्येक क्यारी का एरिया क्या है, पहला क्वेश्चन है क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई क्या है, कुल कितनी क्यारियाँ बनेंगी और क्यारी का परिमाप क्या है। देखिए, जो भी आपको क्यारी का एरिया दिया गया था, पहले दिया था 165, फिर 195, फिर 285, आपने देखा इन सभी में मैक्सिमम कॉमन लिया, तो पहले 5 आया, 5 कॉमन के बाद 3 कॉमन आ गया, 5 और 3 कॉमन, तो ये बताइए पहले खेत में कितनी क्यारी बनी, 11, दूसरे में कितनी, 13, तीसरे में कितनी, 19, क्यारी का एरिया अगर बोला तो कितना है, 15, क्यारी की अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी है, 3, चौड़ाई 3 है, लंबाई कितनी है, 5, और परिमाप बोला तो 2L+B, तो 5×3 कितना हुआ, 8, और 5×3 8, 8×2=16, उसने बोला उसका परिमाप क्या है, तो आंसर क्या है, 16। तो चाहे वो इसका परिमाप बोले, चाहे वो कितनी क्यारियाँ बनी ये पूछे, या किस खेत में कितनी क्यारियां बने ये पूछे, या आपसे कुछ भी पूछे, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है, थोड़ा देखिएगा, समझिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तीन खेत ऐसे आपको दे दिए गए, ठीक है, तीन खेत के आपको एरिया दे दिए गए, इसमें बराबर माप की जब क्यारियाँ बनानी हैं तो जो क्यारी बनेगी वो बराबर माप की होगी, तो तीनों का हमें क्या करना है, SCF निकाल लेना है, जो SCF होगा वो क्यारी का एरिया आ जाएगा, जब एरिया आ जाएगा तो सारे आंसर आपके आ जाएंगे। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, अगला आपसे बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक समान शेष बचे। उसने जब भी आपको लाइन लिखी हो, एक समान मतलब बराबर शेष बचे, तब क्या करना होगा, आपने तीनों नंबर लिखे, पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, पहले तीसरे का अंतर, और ये तीनों नंबर जो हमें मिले आप इनका SCF निकाल लो, इसका SCF निकाल लो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए एक समान शेष बचे, तो उन संख्याओं का अंतर लेके, जो अंतर लेने के बाद मिलेगा, हम उसका SCF निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है, क्वेश्चन देखिएगा,
एक संख्या है दो अंकों की है, बड़ी से बड़ी संख्या, एक दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 25, 75, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में ए शेष बचता है, तो बताओ x माइनस ए का मान क्या। यहाँ पे केवल x है, माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 25, 73 और 95। देखिए 25, 73 और 95 का जब आपने एस सी एफ निकाला तो आपको एस सी एफ जो इसका मिल गया 24 मिला। एस सी एफ जो 24 मिल गया तो अगर उसने बोला x का मान क्या है तो आंसर क्या है, 24। उसने यहां बोला है एक समान शेष बचे, क्या बोला है, प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। जब एक समान शेष बचता है, पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, पहले तीसरे का अंतर निकालने के बाद इसका एचसीएफ निकाला, एचसीएफ 24 आ गया। 24 का आपने सब में भाग दे के दिया तो रिमाइंडर ये आ गया, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, x माइनस y बोला है तो आंसर क्या है, 23। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अभी लखनऊ मेट्रो का एग्जाम हुआ था आज के 2 साल पहले, उसमें आया था ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, कैसे क्या करना होता है ध्यान दीजिए। मैं सोल्यूशन तक लिख के दिया है, मैं आपको ये सीट समझा रहा हूँ अभी केवल। ठीक है, चार क्रमागत संख्याएं, चार क्रमागत आभास संख्याएं जो कि आरोही क्रम में लिखी हैं, इनमें से पहले 3 का गुणनफल ये है और अंतिम 3 का गुणनफल ये है, उनमें से बड़ी आभास संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी आभास संख्या कौन सी है। देखिए उसने क्या बोला, पहले 3 नंबर ये आभास हैं, अगले 3 नंबर x, y, z और a, पहले 3 आभास ये, बाद में अंतिम 3 आभास ये। तो आपने क्या किया, जो आभास नंबर दिए थे आपने उसमें क्या किया, इन दोनों का एस सी एफ निकाला, तो इससे क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, आपने देखा y और z कॉमन है तो y z यहाँ से कट जाएगा, काट लिया तो ये कितना मिला 5 और ये कितना मिला 13, x का मान है 5 और a का मान है 13। अब ये क्रमागत बोला है, क्या बोला है, क्रमागत, तो अगर ये 5 है, 5 के बाद क्रमागत नंबर कौन सा है, 7, फिर क्या है 11, फिर क्या है 13। उसने बोला है क्रमागत अभाज्य, क्या बोला है, क्रमागत अभाज्य। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग क्वेश्चन ये कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम करके भी कर सकते थे, कैसे, देखिए प्रथम 3 आभास संख्याओं का गुणनफल 385 दिए, तो देखिए 385 मतलब लास्ट में 5 होगा, लास्ट में क्या होगा 5, तो एक नंबर तो 5 होना ही होना है, 5, 7, 11 गुणा करा के चेक किया, 385 मिल गया, अगला नंबर होगा 13, ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, हम ऐसे क्वेश्चन को एज्यूम करके भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है, यही करने का मेथड है, पहले 3 का गुणनफल ये, अंतिम 3 का ये, आपने सॉल्व किया और आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला है वो भाग विधि से मासा निकालने क्वेश्चन है, सवाल कैसा है, सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कैसे करना होता है समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है भाग विधि से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक 37 है, अंतिम भाजक कितना है 37। देखिए जब किसी भी भाग विधि से जब हमें मासा निकालना होता है, जैसे बोला जाए 28 और 24 का मासा क्या है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जो बचता है फिर इसमें भाग देते हैं, जब ये पूरा पूरा कट जाता है ये जो होता है ये इसका मासा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए, देखिएगा एक मिनट, बोला दो संख्याओं का भाग विधि से मासा निकालते हैं, तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर हैं हम जिनका भाग विधि से मासा निकाल लें, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो अंतिम भाजक जो है 37 है, यहाँ पे 37 है और यहाँ क्या मिलता है 3, 7, 2, तो ये देखिए यहाँ मिला है 3, यहाँ मिला है 7 और यहाँ क्या मिला है 2। आपने जब नंबर निकाले तो नंबर आपने वैसे निकाल लिए, 37 × 74 हो गया, ये 74 यहाँ आया, 74 × 7 + 37 ये नंबर मिला, 55 × 3 + 3 ये नंबर मिला, ये छोटा नंबर और ये क्या है बड़ा नंबर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये भी सेम ऐसा ही है जो अभी आपने सीखा है, कह रहा है दो संख्याओं का भाग जिनसे मासा निकालते हैं और मासा निकालने में अंतिम भाजक जो है वो आपका कितना दिया गया, 12 दिया गया है, ऊपर से नीचे तक भागफल 3, 2, 3 है, तो बताइए वे संख्याएं क्या हैं। देखिए अंतिम भाजक ये 12 दिया, 12 × 36, तो इसके बाद 36 यहाँ पे होगा, 36 × 2 + 12 ये 84 आ गया, 84 × 3 + 36 ये अगला नंबर आ गया, तो ये पहला नंबर, ये बड़ा, अगर बोला जाए छोटा नंबर तो ये हमेशा छोटा नंबर होगा, बोला जाए बड़ा नंबर तो ये होगा। बोले दोनों नंबर क्या है, दोनों निकाल सकते हैं, जैसा बोला जाए आप लोग कर सकते हैं, आपके दोनों नंबर यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो देखिए दोनों नंबर नहीं है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, उसने बोला कि संख्याएं क्या है, तो एक नंबर तो यहाँ 84 आ गया, अगला नंबर क्या होगा 84 × 3 + 36 जो आएगा वो अगला नंबर होगा, तो ये यहाँ पे गलत है, ऐसी गलती आप लोग ना करें। अगला क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए और देखिए सेम ऐसे सवाल है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो संख्याओं का मासा निकालने में अंतिम भाजक 35 है और बोला गया ऊपर से नीचे तक दिए गए भागफल क्रमशः
2, 2, 1, 3 है तो वे संख्याएं क्या हैं? 2, 2, 1, 3 है, ठीक है। अंतिम भाजक जो हमें दिया गया है कितना? 35। 35 × 3 = 105, 105 + 35 ऐसे आपने नंबर निकाले और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन का आंसर बोला है वे संख्याएं क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर है 385 और 910। ये संख्याएं दो संख्याएं हैं, ये तीसरा ये यहाँ पे ये नहीं है, ये आपका सही आंसर है 385 और 910, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपका टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 एक अच्छा सवाल है, कैसे करना होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। सवाल क्या बोला गया है? एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या है जो ऐसे खोखले वर्ग में खड़े किए जा सकते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा के साथ गहराई 8, 10, 12, 15 है तथा यह एक ठोस वर्ग में भी खड़े किए जा सकते हैं। 8, 10, 12, 15 का आपने जब एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद आप लोग करेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखिएगा वरना ये क्वेश्चन में आपसे गलती होगी। देखो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं, क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर लोगे, ठीक है। कैसे? देखो उसने बोला ठोस वर्ग के रूप में, तो आंसर वही होगा जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। ये नंबर पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये आंसर खत्म। तो आंसर वही होगा जो पूर्ण वर्ग हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस वर्ग के रूप में खड़ा कर रहे हैं। अब करने का मेथड देख लीजिए, समझ लीजिए। करने का मेथड ये, आप इसका एलसीएम निकालें। तो आपने इसका एलसीएम निकाला, तो देखिए एलसीएम आपने जो निकाला वो आपने कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। अब गुणे 4 क्यों कराया? उसने बोला है वर्ग की भुजाएं कितनी होती हैं? 4। तो गुणे कितना करा दिया हमने? 4। अब वो नंबर से हम लोग गुणा कराएंगे जिसकी वजह से पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 यहाँ पे 3 बार था तो ये पूर्ण वर्ग हुआ, लेकिन एक बार 2 का गुणा हमें और कराना होगा। ऐसे एक बार 3 का और एक बार 5 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका गुणा कराना, हमने गुणा करा लिया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, एक बार और देख लीजिए, शायद आपको समझ में अब आ जाएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या 12, 15, 18 गहराई के खोखले वर्ग में है और बोला गया है और उन्हें ठोस वर्ग में खड़ा किया जा सकता है, तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 12, 15, 18 का आपने एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम यहाँ पे आ गया, तो आपने इसके एलसीएम को ऐसे ही लिखा, ये इसका एलसीएम आपने लिखा। उन्हें 4 क्यों कराया? क्योंकि पूर्ण वर्ग के रूप पूर्ण वर्ग का मैदान बनाएंगे कितनी होंगी? 4। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने यहाँ 5 का गुणा कराया और आपके क्वेश्चन का आंसर। आप इसे अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके बचते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग हो, उसके बाद ये देखिए जो नंबर दिए हैं उनसे कटता भी हो। तो कोई नंबर यहाँ 18 से कब कटता है? जब वो 2 और 9 से कट जाए। कोई नंबर 9 से कब कटता है? जब उसका योग 9 से कट जाए। तो 6, 4, 10 नहीं कट रहा था, ये नंबर नहीं कट रहा था, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कोशिश करें कि ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से क्वेश्चन ये बहुत आसान होता है। अगला सवाल आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, देखिएगा। कह रहा है यदि 64,329 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो क्रमिक भागफल 175, 114, 213 प्राप्त होते हैं, तो ये भाजक और भागफल क्या है? देखिए यहाँ पे कोई संख्या है, भाग दिया, पहले हमें ये मिला, फिर हमने कैरी 2 लिया, फिर भाग दिया, ये बचा, कैरी 9 लिया, फिर भाग दिया तो ये बचा। यहाँ पे पहला नंबर ये निकाल लें, दूसरा नंबर ये निकाल लें, तीसरा नंबर ये निकाल लें और इसका एससीएफ निकाल लें, तो जो इसका एससीएफ होगा वो यहाँ पे भाजक कहलाएगा और जब भाजक आ जाएगा तो भागफल अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा एग्जाम में करते हैं तो आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, कैसे आपको एग्जाम में करना होगा, आप क्या क्या करें, आपने क्या किया 643 में से 175 को माइनस कर लिया, इससे आपको एक यहाँ पहला नंबर मिल गया और पहला नंबर मिला 6446 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज समझिए, आप इसके ऑप्शन को देखिए, इसके आप इसके ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे जब 468 आपको मिला है, जब यहाँ पे आपको 468 मिला है तो यहाँ पर 468 जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो इससे कट रहा होगा, 468 से कट रहा होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, दो आपके बचे। अगर 468 ले लेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, लेकिन 468 में भाग यहाँ 2 बार जा रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा समझदार बनिए, क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सेम ऐसी सवाल है, सेम यही मेथड से करना है क्वेश्चन। ये लंबी विधि से भाग देने पर 261
498 मतलब 261498 प्रथम से अंतिम तक भाग देने पर शेषफल क्रमशः 523 360 और 123 बचता है। बताइए भागफल और भाजक क्या है। करने का वही मेथड है, आपने पहले भाग दिया, रिमाइंडर निकाले, तीनों का एलसीएम निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर आया। ऐसा एग्जाम में कतई नहीं करना वरना आप नहीं कर पाओगे। आपने पहला नंबर निकाला, ठीक है, जब आपने पहला नंबर निकाला तो जो भी भागफल होगा उससे वो कट रहा होगा और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इतना कर पाएंगे। यहाँ पर इसने गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो ये होगा 697 और ये जो होगा ये क्या होगा, ये आपका होगा 375। तो आपका भाजक अगर बोला तो 697, भागफल बोला तो 375। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर समझ लीजिए। उसने पूछा क्या था कि बताइए भाजक और भागफल क्या है। भाजक और भागफल, तो पहले भाजक है तो 697 पहले होगा और 375 बाद में होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आप लोग इसे कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप कहोगे कि सर जब यहाँ से हम कर रहे हैं तो एक ऑप्शन ये मिल रहा है, एक ऑप्शन ये मिल रहा है, तो जब इसके बाद आप लोग करते हो ध्यान देना, थोड़ा सीखना है। आपने जब 697 से भाग दिया तो पहले तो तीन बार गया, लेकिन अगली बार देख लो कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट अगर देख लो तो 700 माना 700 × 7 = 49, क्योंकि 5 बार से ज़्यादा जा रहा है, तो 375 होगा ना कि 357। थोड़ा कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और हमेशा मेंस में आता है। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए कैसे क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, सवाल आपको बोला गया है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे किंतु वह संख्या 13 का गुणज हो, किंतु वह संख्या 13 का गुणज हो। ठीक है, करने का मेथड देखिए, 5, 6, 8, 10, 12 का आपने जब लासा निकाला, लासा कितना मिला 360, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब उसने इसके बाद क्या बोला, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए। उसने बोला है कि प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे, एक शेष बचे, कितना शेष बचे, एक। तो हम क्या करेंगे, 360 प्लस 1 कर देंगे और 13 का गुणज हो, तो बटे 13। यहाँ पे क्वेश्चन हमने के लिखा और हमें के का मान ऐसा निकालना है जिसको रखने पर जो मान है वो 13 से कट जाए। ठीक है, तो हमने 13 से भाग दिया, 13 × 13 = 26, 26 के बाद 10 बचा, 13 × 7 = 91, 91 मतलब बचा कितना, 9k+1। क्या बचा, 9k+1। बच्चों याद रखना, मैंने आपसे पहले ही भी कहा था k का मान कभी कभी ऐसा मिल जाता है जो एग्जाम में निकालना बहुत कठिन होगा, तब हम कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए, तब हम कैसे करेंगे। करने का मेथड ये होगा, ये 13 का गुणज 9k+1, क्योंकि इसमें 1 घटाने पर नंबर 9 से कट जाए, 13 का गुणज हो नंबर 91 है, कौन सा है, 13 × 7 = 91। तो आपने 91 यहाँ लिखा, तो 1 आपने जैसे माइनस किया तो 9k = 90, तो यहाँ पे जो k का मान मिला हमें, k का मान 10 मिला, k का मान कितना मिला 10, तो 360 × 10 = 3600 और 3601, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3601। मेन यहाँ पे क्या है, k का मान निकालना। अगर आप k का मान निकालना सीख जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं आपको भी आगे सिखाऊंगा ये क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जैसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे किंतु वह संख्या 7 का गुणज हो। तो 6, 9, 15, 18 का जब आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया 90। एलसीएम कितना आ गया 90, तो 90 + 4 क्यों, क्योंकि उसने बोला 4 शेष बचे, और की क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसने बोला 7 का गुणज हो। ठीक है, 7 से भाग दिया तो 7 × 7 = 2, 7 × 2 = 14, तो कितना बचा आपका 6k+4। क्या बचा, 6k+4 का मान जो भी होगा वो 7 का गुणज होगा। 7 का गुणज 7, 14, 28, 21, 35 यही होते हैं, वो गुणज होगा जिसमें 4 माइनस करने पर 6 से कट जाए। तो ध्यान से देखिए, इसमें 4 माइनस करिए नहीं कटेगा, 4 माइनस करिए नहीं कटेगा, 28 में 4 माइनस किया तो 24 मिला और 6 से भाग दिया, k का मान 4 मिला और k का मान 4 आपने यहां रख दिया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला 364। उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा, k का मान निकालना का समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये है,
वह छोटी छोटी संख्या, सेम वही मेथड्स है, वही क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे किंतु वह संख्या 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो 5, 6, 7, 8 का आपने एलसीएम निकाला, 840 आया, 840 के प्लस 3 क्योंकि 3 शेष बचे और के का मान हमें ऐसा रखना है जिसको रखने पर नंबर 9 से कट जाए। आपने ऐसे 9 से भाग दिया तो 3 के रिमाइंडर बचा, 3 के प्लस 3 बराबर 9 का गुणज, तो पहला हमने 9 लिखा और के का मान यहाँ से हमें 2 मिल गया, 2 यहाँ रखा और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट साइप है टाइप नंबर 15 है, टाइप नंबर 15 इसका लास्ट साइप है, इसको भी देख लीजिए और समझ लीजिए, आपकी स्टडी पूरी खत्म हो गई। टाइप नंबर 15 देखिए, समझिए, क्वेश्चन ये है, 3 संख्याओं का लासा एक पंक्ति में लिखकर न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। शुरुआत से अंत तक भागफल क्रमशः 2, 2, 3, 5 है। अंतिम पंक्ति में 1, 2, 3 आता है, वह संख्याएं क्या है? देखिए, शुरुआत से अंतिम तक भागफल ये आपको दिए 2, 2, 3, 5 ऐसा बोला गया है और 1, 2, 3 ये लिखा है। तो क्या करना है, 5 से 15, 15 दूनी 30, 2 60 तो 60 के गुणज में होंगे, तो 60 एक कम कितना हुआ 60, 60 दूनी कितना हुआ 120, 60 गुणे 3 कितना हुआ 180, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका टाइप 15 हो गया है, शायद एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, समझ लीजिए, आपकी सीट पूरी खत्म हो गई है। क्वेश्चन ये, दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं, दो दांतेदार पहिए एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं, एक पहिए में 25 दांत हैं और दूसरे में 30 दांत हैं, यदि पहला पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा? देखो, एक में 30 दांत हैं तो 75 चक्कर, 25 दांत है, कितने चक्कर खत्म, क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ से एलसीएम एसएफ की सीट खत्म हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम एसएफ में आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।